देखिए, पहले आप फर्स्ट आपको जो फोल्डर डाउनलोड लिंक दिया है उसमें अच्छा ऐसा हर ब्रांड का नाम रहता है फोल्डर, पोको हाँ का रहता है, वीवो का रहता है। आप भी देख सकते हैं एक बार क्या क्या है। हाँ मैं अभी चूज कर रहा, रियलमी चूज कर रहा, आपके पास भी चेक कर दीजिए, ऐसा फोल्डर है, ऐसा PSD फाइल है, एक बार चेक कर दीजिए। हाँ है डाउनलोड किए हैं, ये है मेरे पास। हाँ, मैं अभी रियलमी X3 का मार्कअप बनाने के लिए कोशिश कर रहा। ये दो तरीके ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करने के बाद ओपन होते फोटोशॉप में, और आप किधर जाके फाइल में जाके कंट्रोल, हाँ कंट्रोल ओ करके ना। कंट्रोल वो करके भी ओपन कर सकते हैं। ओके, अभी क्रॉप टूल का है, मैं अभी ये टूल सेलेक्ट करेगा। आप इधर देख सकते हैं उसमें Layer 0 है, Layer 3D है, Layer 2D है, डिफरेंस देख देख लीजिए। मैं एक एक ओपन कर रहा हूँ। ये Layer 0 ओपन है, ये आंक। ओके, मैं अभी Top 3D ओपन कर रहा हूँ। Top 3D मतलब ये शेडो रहते हैं। मैं अभी Top 3D बंद करके Top 2D एनेबल किया, आप देख सकते हैं ये प्लेन है, ये हाँ शेडो नहीं है, 3D में शेडो है। 3D आप एक ही यूज कर सकते हैं, ये 2D या 3D एक बराबर होगा। ओके, अभी हम कस्टमर का इमेज डालना, कस्टमर का इमेज है मेरे पास, कुछ इमेज है, ये इमेज है विराट कोहली का इमेज है, एक कोई भी ले लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा स्पेस है, व्हाइट कलर दिख रहा, नीचे भी थोड़ा स्पेस है। हाँ ये मतलब जो प्रिंट फाइल रहते हैं वो ये साइज बराबर नहीं है, आप थोड़ा बड़ा करना। पहले हम क्या करेंगे, जस्ट एंटर दबाओ, एंटर दबा दिया, ये बैठ गया, इमेज बैठ गया। मैं अभी ये इमेज को नीचे ले जाते हैं। ये अभी मार्कअप बना हुआ, ये मार्कअप कस्टमर को भेजना है। अभी मैं सेव एज मार्क के डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं, टुडे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑर्डर्स वन, उसमें ये रियलमी X3 है ना, X3, ये डिस्प्ले फाइल, ये PNG फॉर्मेट में सेव करना। मैं कस्टमर का नाम तरुण है, तरुण, डिस्प्ले फाइल ये सेव किया। और इसके साथ आप ये PSD फाइल भी सेव करना, क्योंकि अगर कस्टमर को हम भेजा था वो कोई एडिटिंग चाहिए, एडिटिंग करने के लिए अगर फिर आप PSD पे आना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये भी सेव कर रहा। फाइल में जाके सेव एज, सेम ऑर्डर्स पे जाएगा, डेस्कटॉप ऑर्डर्स में जाएगा, तरुण मार्क फाइल रहेगा ये फोटोशॉप का, ये PSD फाइल चाहिए, क्योंकि हम PSD फाइल में भी फाइल में ही एडिटिंग करना वो सही है। ये फाइल है, मैं सेव किया ऑलरेडी, ये ऑर्डर्स वन का ये फाइल मिला हमको, PSD फाइल ना, PNG फाइल। मैं कस्टमर को भेजता, अगर आप मेरा कस्टमर है तो आपको भेजेगा। मैं कस्टमर को भेजा, कस्टमर बोलेगा अच्छा है, नहीं है तो एडिटिंग करना चाहिए, अगर अच्छा है तो क्या करना, अगर एडिटिंग करना चाहिए तो क्या करेंगे। अगर ये सही है, कस्टमर बोला प्रिंट निकाल दो, हम क्या करना, ये दोनों निकालना, Top 2D Top 3D निकालना, और जो व्हाइट कलर दिख रहा
उसको हटाना। कैसा हटाते है? जो इमेज है वो इमेज को बड़ा करना, बड़ा किए तो आपको प्रिंट फाइल बराबर साइज मिलेगा हमको। ये एडिटिंग कर कैसा कर सकते, बड़ा करने के लिए आप इधर देख सकते हैं छोटी आइकन है वो हटाना, रजिस्टर किए तो वो आइकन गया। अभी एम टूल सेलेक्ट, एक मिनट बोलिए, अरे 300-400 रुपये लगभग ये सब पूरा बन गया। हाँ सर चलो, ये व्हाइट स्पेस है ऊपर, ये व्हाइट स्पेस हटाना। हम कैसा हटा सकते हैं? जो इमेज है उसको थोड़ा बड़ा करना। बड़ा कैसा कर सकते हैं? बड़ा तो दो तरीका कर सकते हैं। अच्छा सर, ये यहाँ बोलिए, यहाँ ये तो यहाँ से बड़ा हो सकता है ना, ये जो आपका यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर, ऐसा आप बताइए। और अभी इमेज ऐसा है, हम ये व्हाइट कलर हटाना, व्हाइट कलर कैसा हटा सकते हैं? जो इमेज हमारा पास है उसको कंट्रोल टी दबा के सेलेक्ट करना पहले, फिर बता रहा, देख लीजिए एम टूल ये सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज एम की दबा सकते हैं। मैं एम की दबा दिया, ये इमेज सेलेक्ट किया, इमेज सेलेक्ट करने का इमेज सेलेक्ट कर रहा है, इधर कंट्रोल टी दबा रहा, ये ऊपर खींचना क्योंकि सेम कलर चाहिए। नीचे भी सेम किया, इमेज थोड़ा सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाया, इमेज का नीचे लाया थोड़ा बराबर। हम प्रिंट करने के टाइम पे व्हाइट स्पेस कहाँ भी नहीं देखना, नहीं रहना। ओके, अभी ये प्रिंट फाइल है, ये भी सेव करना। हम सेव एज डिस्प्ले फाइल है, ये प्रिंट फाइल है, ये भी पीएनजी फॉर्मेट में रहना हमारा। नाउ अभी प्रिंट निकालना, प्रिंट कैसा निकाल सकते हैं? हमारा प्रिंटर में A4 साइज पेपर है, न्यू A4 साइज पेपर लेना, ये कस्टम है, यहाँ इंटरनेशनल पेपर लिए तो A4 मिलेगा, ये रिजोल्यूशन 300 रहना, ये पक्का चेक करना। ये A4 साइज का पेपर है, मैं ऑलरेडी प्रिंट फाइल मेरे पास है, वो प्रिंट फाइल का नाम तरुण प्रिंट। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है, रहने दो। मैं वो ये है फोटोशॉप का फाइल, ये सेव अच्छा नहीं हुआ था पहले, मैं फिर सेव कर रहा, एम टूल लिया, वो पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना था, वो पीएनजी में नहीं है, वो फोटोशॉप का है। एम सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाया, ऊपर लाया, नीचे भी एम सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाया, नीचे लाया, ये फाइल जाके न्यू फाइल सेव एज जाके प्रिंट फाइल चाहिए, ये पीएनजी फॉर्मेट में लेना, फोटोशॉप का नहीं है, पीएनजी फॉर्मेट में लेना। पीएनजी फॉर्मेट में रेडी है, A4 साइज पेपर का है, ये प्रिंट है, ये प्रिंट डाले, और राइट क्लिक दबाओ, क्लॉकवाइज 90। हर पेपर में दो प्रिंट निकाल सकते हैं, इसीलिए हम क्लॉकवाइज 90 किया। अभी डायरेक्ट इधर से प्रिंट निकाल सकते हैं।
बराबर। और एक बार दिखाना, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं फिर भी। ओके मैं इधर स्टेप्स भी लिख रहा, जो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा सर, मैं एक बार अपने पीसी में कर, अपने पीसी में करता अभी मैं। हाँ कर दीजिए, मैं शेयरिंग बंद कर रहा। मैं करूँ अपने पीसी में? हाँ मैं शेयरिंग का बंद कर रहा, आप शेयर कर दीजिए। कैसे होगा सर ये शेयरिंग? इधर अभी मान लीजिए हमको इधर ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग, मान लीजिए हम हमारा शेयर स्क्रीन। हाँ शेयर स्क्रीन, मैं स्टॉप करना, मैं बंद करना पहले, मैं बंद के शेयर स्क्रीन है ना बीच में। लिख रहा है कि हॉट डिसेबल स्क्रीन योर शेयरिंग। रुको रुको मैं ये इनेबल कर रहा। अभी ट्राई कर दीजिए। आप हो गया, ये शेयर करें सर, मेरा दिख रहा है वो आपको? हेलो एक एक मिनट देखिए। हाँ अभी फोल्डर में जाना। अच्छा अभी दिख रहा ना आपको मेरा? हाँ दिख रहा दिख रहा। अब मान लीजिए जैसे कि ये है माइक, मान लीजिए खोल दिए और मेरा मान लीजिए यहाँ मोबाइल में है फाइल, मान लीजिए ये चीज खोलना है ना हमको, PhD। हाँ PhD कोई फोल्डर। अच्छा, मान लीजिए ब्रांड ले, मान लीजिए ये मैं लेता हूँ। रेडमी ये मान लीजिए मैं ये सर दो क्या है मतलब, ये जैसे मान लीजिए एक मैक और मोक ये क्या दो फोल्डर है? मैं 8 AC दूसरा मॉडल है। अच्छा ये दूसरा मॉडल है। हाँ। मान लीजिए MI इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से उठा लाए। ये मान लीजिए आ गया। अब हमको मान लीजिए फोटो लाना है तो या तो मैं डायरेक्ट या तो डायरेक्ट ला सकता हूँ या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, अगर नहीं ओपन फाइल जाके वो ऐसा भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमने फाइल ला दिया। हाँ अभी अब ये ला लिए हैं तो थोड़ा हल्का हल्का मान लीजिए ये किनारे बच रहा है। छोड़ दो ये छोड़ दो। चुपो जैसे मान लीजिए ये हो गया अब इसको ये वाला टूल सेलेक्ट कर दें। एंटर दबाना अभी। हाँ एंटर दबा दिए। हाँ अभी ये इमेज जो इमेज है वो लेयर्स में है ना, लेयर जीरो टॉप टू नीचे लाना इमेज। अच्छा ये जो फर्स्ट वाला है उसको लेयर जीरो पे कर दें। हाँ लेयर जीरो के ऊपर, लेयर जीरो के ऊपर जो लिखा रहा दिखा रहा ये 3D वाला कि 2D वाला? लेयर जीरो के ऊपर वो इमेज है ना, इमेज आना पड़ेगा। देखिए लाए हैं। अभी कैसा देख रहा आपको? सिर काट हो रहा। हाँ सिर थोड़ा हल्का कैसा कटा हुआ। अभी क्या कर सकते हैं आप? वी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। वी मींस मूव, वी दबा के नीचे ला सकते हैं कस्टमर इमेज का। अच्छा वी दबा के।
मान लीजिए ये ला दिए, हो गए, आप तो ठीक ही है। अभी क्या करना है, ये सेव करके कस्टमर को भेजना है। सेव कैसा कर सकते हैं, ओपन फाइल पे जाकर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फाइल पे गए, मान लीजिए कंट्रोल एस करके सेव करें, जैसे मान लीजिए कंट्रोल एस हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एस, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट एस, हेलो हाँ चपंडी మీకు ఆల్రెడీ వచ్చిందండి, మీకు మొన్న చెప్పా కదా, మీరు కాల్ చేయండి ఒకసారి నవతాకి, క్రాంతి ఆల్రెడీ వచ్చింది, క్రాంతి అనుకుంటా, చూసి చెప్తాలండి మీరు. ఏదే మొన్ననే వచ్చింది, మీకు మెసేజ్ పెట్టా కదా నేను, ఆల్రెడీ రైట్ రైట్. ఏ పిఎన్జీ ఫార్మాట్ మీద రాదు, పిఎన్జీ ఫైల్ మీద రాసి PNG ऑलरेडी है ना वहाँ नीचे, क्या है नीचे से फोटोशॉप है, टिफ है, टाइप करो PNG आएगा, दबाओ वहाँ नीचे 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 वो है ये वाला ना, हाँ डेस्कटॉप पे मान लीजिए हमको सेव करना है, ये चीज तो कस्टमर का डिस्प्ले बनो दिखाने के लिए है ना, कि मतलब इस तरह छप के आएगा आपका. तो मान लीजिए इसको हम लिख दिए डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम से सेव कर दिए, हो गया ये. हाँ अगर कस्टमर को अच्छा लगे तो हम प्रिंट निकालना, प्रिंट कैसा निकालते हैं, ये 2D 3D हाइड करना, ओके दबाओ, अगर कस्टमर मान लीजिए अब ये प्रिंट कर, अभी इसको कस्टमर मान लीजिए कह दिया कि हाँ ठीक है मेरा प्रिंट कर दीजिए, हाँ प्रिंट कैसा कर सकते हैं, वो कैमरा फिंगरप्रिंट दबाना, हाइड करना, एक कैमरा फिंगरप्रिंट हटाना, कैमरा फिंगरप्रिंट कौन सा लेयर पे है, टॉप 2D पे है, टॉप 3D पे है, वो दोनों को हटाना, हाइड करना, अच्छा अभी हटा, हाइड कर दिए ये दोनों को 2D 3D को, अभी एक पेज बन गया है ये, हाँ ये भी सेव करना, अच्छा इसको भी सेव करना, ये मान लीजिए ये कस्टमर का पूरा ए प्रिंट निकलेगा इस तरह, ए प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट हो गया. अभी आपके पास प्रिंटर है, अगर मान लीजिए सर कोई कस्टमर कहता, जैसे मान लीजिए एडिटिंग चाहिए, हाँ मान लीजिए अगर कस्टमर कहे कि जैसे यहाँ मतलब कोई और ये, क्योंकि ये पूरा व्हाइट व्हाइट है, तो अगर मान लीजिए कस्टमर बोलता है तो ये मतलब यहाँ कुछ अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कुछ कलर देना हो यहाँ हल्का फुल्का, तो आपका फोटोशॉप आए तो फोटोशॉप कैसा, फोटोशॉप में कैसा एडिटिंग करना वो सीखना पड़ेगा, आप वो सीखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए. तो ये मतलब जैसे मान लीजिए इसमें डिजाइन करना हो तो उसके लिए कौन सा डिजाइन चाहिए, वो इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं. अच्छा मान लीजिए हमको डिजाइन, इसमें डिजाइन भी है, मान लीजिए ये डिजाइन है आप, अभी ये आ गया, हाँ ये दूसरा फाइल टैब पे ओपन हुआ, फर्स्ट टैब पे जाना, ऊपर ऊपर है ना, यहाँ
क्या करना है इसमें? अभी आप दूसरा टैब पे है, 051 जेपीजी है ना, उसके बगल में है ना दूसरा टैब, टैब फर्स्ट टैब, फर्स्ट टैब कॉर्नर, टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर। हाँ कॉर्नर पे और थोड़ा नीचे आओ, ये है ना टैब क्रॉस मार्क है, ये दूसरा फाइल है ना। हाँ हाँ दूसरा वाला कस्टमर का इमेज कैसा है, कहा है कस्टमर का इमेज, कहा है कस्टमर का इमेज ये रहा। हाँ हम अगर इसका ये बैकग्राउंड कुछ चेंज करना पड़ेगा तो फर्स्ट ये कस्टमर का बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा, जो व्हाइट कलर वाला है वो निकालना। कैसा निकाल कर सकते, निकल सकते हैं? ये पेन टूल यूज करके निकालना पड़ेगा, पेन टूल से काटना पड़ेगा क्या इसको? हाँ ये हाइड करके, 2D 3D हाइड करके सिर्फ इमेज पे पेन टूल यूज करके तो काटना पड़ेगा। थ्री डी हाइड करना पहले, अभी जो इमेज है उसका काटना पड़ेगा। काटने के लिए आप पेन टूल यूज कर सकते हैं। अच्छा अभी तो प्रिंट निकालना कैसा निकालना वो सीख लीजिए, मैं पेन टूल में कैसा काट करना वो दूसरा इमेज, दूसरा वीडियो है मैं आपको भेजेगा। अच्छा अच्छा एक बार दोबारा से कर रहे हैं, देख लीजिएगा कोई चीज ले रहे हैं। ये प्रिंट निकाल दो पहले, प्रिंट कैसा निकालना वो सीख लीजिए। अच्छा अच्छा मान लीजिए ये डिस्प्ले फाइल है, डिस्प्ले प्रिंट फाइल की तरह है। अच्छा सेव या नहीं? अच्छा सर ये कोई भी हो, जेपीजी में नहीं सेव करना, पीएनजी में ही प्रिंट करना है? कोई यूज कर सकते हैं। अच्छा मतलब जेपीजी या कुछ भी हो? जेपीजी यूज कर सकते हैं, पीएनजी भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। प्रिंट करने के लिए यही ऑप्शन है ना अभी ये तो मेरे पास पड़ा है। यही ऐसे करके प्रिंट करना है। हाँ मतलब ऐसे करके प्रिंट करना है ना ये, मान लीजिए आपको मालूम ही है। इसी तरह प्रिंट तो निकाल देंगे, प्रिंट में नहीं दिक्कत है, मैं शुरू से फिर से कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसको मान लीजिए काट देंगे। रेडमी नोट का ले लेते हैं, मान लीजिए रेडमी नोट का ले लिए। मान लीजिए आ गया ये कस्टमर का इमेज डाल दीजिए। अच्छा डायरेक्ट एंड ड्रॉप करके ले ले रहे हैं, हो गया, इंटर दबा दिए, एंटर दबा। और उसके बाद इसको और इसको ले आके ये 2D वाले पे करना है ना ऐसे। फिर से कस्टमर का मान लीजिए कट रहा है हल्का सा, तो अभी बताए हैं वी करके इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए ये फिट हो गया, माने फिट हो गया। अब इसको इसको इसी समय सेव करना है ना कि कस्टमर को दिखाने के लिए कि इस तरह आपका छत। हाँ इसको एक मान लीजिए इसको सेव कर, मान लीजिए इसको सेव कर दिए हम, PNG में मान लीजिए इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। Redmi Note 5 डिस्प्ले,
डिस्प्ले सेव हो गया, ओके कर दिए, प्रिंट फाइल भी सेव। ये तो अब इसको दो, इसको करना ऐसे, फिर इसको भी सेव करना है, इसको भी सेव करना है क्योंकि ये चीज छपेगा। नोट फाइव सेव हो गया, मतलब ये इतना कर सकते हैं, इसमें नहीं दिक्कत है। अगर वो मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि कोई इसमें डिजाइन डाल दीजिए, क्योंकि इतना पूरा ऊपर का पूरा खाली खाली है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई डिजाइन है तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं, पीएनजी डिजाइन है तो। पीएनजी तो ये जो सॉफ्टवेयर में मिला हमको, ये चीज ये सब पीएनजी फाइल में ही है ना? हाँ, ये पीएनजी फाइल में है, बट उसका ये इमेज बड़ा है, रेक्टेंगल का है। अगर आप कोई फ्लावर है या कोई सिंबल है, वो पीएनजी रहता है, वो बैकग्राउंड व्हाइट रहता है, प्लेन। अच्छा, मतलब इमेज को छोटा में लेना है, छोटा अगर जगह कम है तब। अगर आप ये पूरा इमेज रखने के लिए कस्टमर का बैकग्राउंड चेंज काट करना, जो व्हाइट कलर है वो सारा हटाना, सारा हटे के बाद जो बैकग्राउंड हम लगा रहा वो दिखेगा। जैसे मान लीजिए पेन टूल है मेरे पास, पेन टूल से हमने कटिंग कर दिया है, एंटर दबाओ। मैंने फर्स्ट पहले ये रेस्टराइज करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहा है, लेयर पे जाके राइट क्लिक करके रेस्टराइज दबा, लेयर पे जाओ, इमेज का लेयर, साइड 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 लेयर, टॉप 3D, राइट क्लिक दबाओ। अच्छा, इसको नहीं, वो क्लोज करो, आंख बंद करो, इमेज है ना E7, बंद कर दो। हाँ, राइट क्लिक करो, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो यार, इमेज का लेयर, लेयर का इधर है इमेज का वो। अच्छा, इसको यार लेयर पे जाओ, इधर है रेस्टराइज, सही दबाए नहीं, नीचे इमेज का ऊपर जाके, हाँ यही बीच में कहीं है ना दबाना, लेयर लेयर जीरो है ना, लेयर जीरो, लेयर जीरो जो लिखा हुआ है ऊपर क्या है, लेयर जीरो के ऊपर जो लेयर में राइट क्लिक करो। हाँ, लेयर लेयर जीरो के, लेयर जीरो के, हाँ वो क्लिक कर दिए, रेस्टोरेंट ऊपर कर दीजिए ये। हाँ, इसको ओके, हाँ अभी काट करो पेन टूल यूज करके, आप काटें। हाँ, अब क्या करें, एंटर दबाओ, कंट्रोल, नो एंटर, अभी बैकस्पेस मारो, डिलीट मार दें इसको, चल गया। अभी लेयर जीरो हाइड करो, देखेंगे चल गया गया नहीं। हाँ, एक कार्ड कार्ड गया, अभी लेयर जीरो एनेबल करो, अभी बैकग्राउंड इमेज आपको जो चाहिए वो डाल दीजिए। बड़ा कर दीजिए, हाँ ऐसा डालते हैं, डाल दिए, डालो डालो कैसा चाहिए ऐसा डालो।
इसको ऐसे रहने दे, कैसे चाहे ऐसा रहने दो, अभी लेयर जीरो है ना, बोल करो लेयर जीरो को हाइड करें, हाइड नहीं रहने दो, लेयर थ्री हाइड करो, लेयर थ्री दिखाओ, लेयर टॉप थ्री डी, टॉप थ्री डी, बराबर हेलो, अब ऐसे छप के आ जाएगा कस्टमर। हाँ जी हाँ, अगर आप हेलो हेलो यही पेन टूल पे अच्छा काट कर तो जो इमेज आप डाल दिया वो सारी बैकग्राउंड सेट कर सकते, जो इमेज आप डाला अभी वो छोटी है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हेलो बोलिए। अब इसको अब ये मान लीजिए आ गया, अगर मान लीजिए कस्टमर को हमको इसको प्रिंट पे देना है, अगर कस्टमर मान जाए कि इस तरह देना है तो हमको फिर कैसे वो पूरा में आएगा, ये सेव करना, सिर्फ सेव करना, जैसे ये सब 2D 3D हाइड करके सारी सेव करना, दोनों को हाइड करना, अभी सेव एज करके सेव कर दीजिए, ये दोनों जब हाइड कर, ठीक है सर, इसका वीडियो है आप बना, इसका वीडियो बना लिए हैं? हाँ वीडियो भी है, हाँ बना लिया, अभी अभी हुआ है सबका वीडियो हो गया है, ठीक है सर, तब अब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस पे, जो नहीं होगा वो तो, हाँ ठीक है, आपके पास मतलब कब कब कॉल किया जाए कि? मैंने आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा फ्री टाइम पे आपको बता दूंगा मेरा फ्री टाइम। अच्छा नंबर आपका यही नंबर है सर? हाँ यही नंबर है, दो तीन दिन थोड़ा मुश्किल अच्छा। होगा क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ये वीडियो भी भेज देगा आपको, ठीक है सर, दो तीन, ठीक है राइट, ठीक है।